उत्तराखंड में डेंगू फैलने के बाद दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गठित टीम देहरादून पहुंचकर सूबे में फैले डेंगू की रोकथाम में जुट चुकी है। प्रदेश में तकरीबन 1400 से ज्यादा डेंगू के मरीज इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। डेंगू पे हमने 2014 में दिल्ली में गाइडलाइन रिलीज की थी, वो ऑल इंडिया लेवल की थी, नेशनल गाइडलाइन ऑफ डेंगू कहते हैं उसे, और वो हमारी गाइडलाइन को WHO ने भी पूरी महत्वता दी थी। उसी गाइडलाइन को हम अपने उत्तराखंड के डॉक्टरों से शेयर करने के लिए आज यहाँ पधारे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गठित टीम के डॉक्टर प्रदेश के डॉक्टरों के साथ डेंगू को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नेशनल गाइडलाइन ऑफ डेंगू के तहत उत्तराखंड में डेंगू का इलाज जारी है। किसी तरह से हम मोर्टेलिटी या मौतों को कम कैसे कर सके, दिल्ली में हमने पिछले 96 से हम देख रहे हैं डेंगू हो रहा है। हमारी बहुत मेहनत और बार बार एक्सपीरियंस से हमने 3.3 से 0.3 तक कर लिया है हमने मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट, तो हम चाहते हैं कि वही अपना एक्सपीरियंस हम यहाँ शेयर करें। डेंगू से आपको बता दें अब तक प्रदेश में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस बीच डेंगू पर सूबे में सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष लगातार डेंगू की रोकथाम को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। R9 TV के लिए देहरादून से प्रतीक पाठक की रिपोर्ट।